नमस्ते जय जगन्नाथ। आध्यात्मिक क्रांतिकारी आह्वान सत्य दर्शन रो पंचम विभाग विविध प्रसंग को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, एही वीडियो रे स्नान करिबा नियम विषय रे केतक जानिबा कथा कुहा जायछि। आरंभ रु शेष पर्यंत वीडियो टिकु देखिले सब कथा जानि परिबे। प्राय समस्त स्नान करंती किंतु अनेक व्यक्ति स्नान विधि बा नियम विषय रे जानती नाही। आसंतु स्नान नियम विषय रे जानिबा। स्नान करिबा आम पई नित्यांत आवश्यक, एमिति कि भोजन करिबा ठारु मध्ये एहा अधिक गुरुत्वपूर्ण। आंभ मानकर देहरु बाहरुथिबा झाळ एवं बाहरर धूली धुआं प्रभृति देहरे लागि लोमकूप सबु बंद होई झाळ द्वारा जो मळी बाहरिबा कथा ताहा बाहरी नपारि स्वास्थ्यर क्षति करिथाए। एथिलागि प्रतिदिन स्नान करिबा निहाति आवश्यक। स्नान द्वारा खालि शरीर निर्मल बा सुस्थ होई नथाए, एहा द्वारा मन मध्य निर्मल बा पवित्र होइथाए एवं शरीरर समस्त ग्लानि ओ अवसाद दूर होई समस्त कार्य करिबारे आग्रह ओ तत्परता आसीथाए। स्नान करिबा परे पवित्रता आसे बोली जेकोणसी शुभानुष्ठान करिबा पूर्वरु स्नान करिबार विधि रहिछि। मने रखंतु शज्या त्यागठारु स्नान न करिबा पर्यंत अशौच बोली विचार करा जाए, तेणु स्नान करि पवित्र हेबाकु पड़िथाए। प्रतिदिन सूर्योदय पूर्वरु अर्थात ब्राह्म मुहूर्तरे स्नान करिबा सबुठारु उत्तम। ए समय रे स्नान कले बात पित्त ओ कफर समता आसीथाए, किंतु सूर्योदय परे दिनर प्रथम प्रहर अर्थात सकाळ 9टा पर्यंत कफर समय, एणु ए समय रे गाधोइले कफ वृद्धि होइथाए। जेउमानकर कफ समस्या रहिछि सेमाने सूर्योदय पूर्वरु न गाधोइ पारिले तेबे सकाळ 9टा परे गाधोइबा उचित। सर्वदा शीतल जल रे स्नान करिबा हितकर। देहरे शीतल जल लागिले नाड़ी तंतु उत्तेजित होइथाए, एहा द्वारा चर्मर निम्नरे जेउ सबु रक्त स्रोत रहिछि सेही सबु संकुचित होई रक्तकु भितरकु ठेली दिए। सेही हेतु हृत्पिंड ओ श्वास प्रश्वासर गति प्रखर हुए एवं देह बाहरर ताप कमी जाई भितरर ताप वृद्धि होई अग्निदीप्त हुए। एथिलागि गाधोइबा परे परे भोक बढ़िथाए, किंतु मने रखिबे अति शीतल बा थंडा जल स्वास्थ्य प्रति अनिष्टकर होइथाए। शीत दिन रे गरम जल रे एवं ग्रीष्म दिन रे शीतल जल रे स्नान करिबा स्वास्थ्य पई मंगलकर होइथाए। पाग अधिक गरम थिबा समय रे अधिक थर गाधोइबा भलो। पिला हेउ कि बुढ़ा रोगाक्रांत होइतिले स्नान करि भल भावरे परिष्कार हेबा आवश्यक। शिशु वृद्ध ओ रोगी मानक पक्षे शीतल जल रे स्नान करिबा निषेध। जेउं वृद्ध लोकंकर शीतल जल रे गाधोइबार अभ्यास रहिछि सेमाने गाधोइ पारिबे। अत्यधिक शारीरिक ओ मानसिक परिश्रम हेतु शरीर अवसन बा क्लांत होइथिबा परे शीतल जल रे स्नान करिबा उचित नुहे। रोगी माने सर्वदा गरम जल रे गाधोइबा हितकर होइथाए। चंद्रग्रहण ओ सूर्य पराग परे एवं संक्रांति सप्तमी सूतक मृतक श्राद्ध जन्मदिन इत्यादि रे तथा नीचलोक अर्थात अपरिष्कार घृण्य व्यक्ति को छुईले गरम जल रे गाधोइबा उचित नुहे। वैज्ञानिक दृष्टि स्नान करिबा द्वारा शरीर मध्य लुचि रहिथिबा जीवाणु आदि बाहरी जाइथांती एवं शरीर रु निर्गत हेउथिबा झाळर दुर्गंध दूर होइथाए। स्नान करिबा समय रे शरीर रो लोमकूप देई शरीर मध्य को जल प्रवेश करिबा द्वारा शरीर रो उष्मता दूर हेबा सहित झाळ आकार रे शरीर रु निर्गत हेउथिबा जलर भरणा स्नान माध्यम रे होइथाए। जदि व्यायाम करूथांती तेबे व्यायाम सारी सांगे सांगे गाधोइबा अनुचित, अध घंटा परे स्नान करिबा उचित। कठिन परिश्रम परे बा देहरु झाळ बाहरि जिबा परे गाधोइबा उचित, नहले देहरे झाळर मैला लागि कुंडिया भली चर्मरोग मुंडरे रूपी एवं क्षुद्र व्रण इत्यादि होइथाए।
जदि देहरु झाल निर्गत होताए तेबे स्नान करिबा उचित नुहे। बांफी कूप पुष्करिणी और नदी आदि स्नान करिबा हितकर। समुद्र गंगा आदि बुड़ पकेबा बा स्नान करिबा मंगलकर। एहा द्वारा अनेक दोष खंडन हेबा सह पुण्य प्राप्ति होइथाय। किंतु नदी बा पुष्करिणी रे गाधोइबा बेले सतर्क रहिबे, अधिक गभीर जल को पसंतु नहीं। अत्यधिक समय पर्यंत गाधोइबा बा नदी इत्यादि रे बुड़ मारिबा उचित नुहे। बाथरूम रे बा ट्यूबवेल रे गाधोइबा बेले अजथा पानी नष्ट करिबा अनुचित एवं अनावश्यक भावे टैप खोला रखी पानी नष्ट करिबा उचित नुहे। जेतिकी जल आवश्यक सेतिकी व्यवहार करंतु। पैंट सार्ट भली वस्त्र पिंधि गाधोइबा अनुचित। स्नान समय रे सर्वदा गामुछा भली वस्त्र व्यवहार करिबा आवश्यक। कदापि उल्लग्न होई स्नान करिबा अनुचित। जदि निहाती उल्लग्न होई स्नान करिबा को पड़े तेबे कमर रे गोटिए फिता बांधि देबा उचित। शास्त्र मतरे स्नान कला बेले आमर पितृपुरुष माने आम पाखरे थांती एवं आमे पिंधिथिबा वस्त्ररु जो पानी झरी पड़े सही पानी को पाइकी समाने तृप्त होइथांती। एणु गाधोइबा समय रे उल्लग्न हेबाकु बारण रहिछि। जदि कोनोसी असुस्थता कारणरु गाधोइबा संभव हेउ नाही तेबे सामान्य जल निज देहरे सिंचन करिबा उचित। एहा द्वारा अशौच दोष दूर होइथाय। स्नान नकरी कोनोसी शुभ कार्य देवपूजा नववस्त्र परिधान भोजन देवालय और तीर्थादि गमन करा जाए नाही। भोजन करिसारी गाधोइबा उचित नुहे। एहा द्वारा शरीरर पाकजंत्र शीतल हेबा जोगु खाद्य हजम क्रिया बंद होई जाए, जहा फलरे बदहजमी और पेट गैस भली समस्या देखा दिए। स्नान पूर्वरु जदि जोर रे भोक लागे तेबे फलरस किंबा दुग्ध पिया जाई पारे। झाड़ा रोग ज्वर कर्णशूल वायु रोग और अजीर्ण आदि रोग रे गाधोइबा निषेध। अगाधुआ औषध खाइबारे असुविधा नाही। चंद्रग्रहण और सूर्यपराग मुख्य न होबा पर्यंत गाधोइबा निषेध। नारी माने ऋतुस्राव समय रे स्नान करिबा उचित नुहे। ऋतुस्राव शेष रे मुख्यतः सात दिन रे भल भाव रे परिष्कार होई गाधोइबार विधि रहिछि। जदि ऋतु रक्तस्राव तीन चार दिन मध्य बंद हो जाए तेबे पांच दिन में गाधोई पारिबे। छोट पिलांकु निज हाथ में भल भाव गाधोई दियंतु एवं छोट बेलु पिलांकु गाधोइबार नियम भल भाव बुझाई दियंतु, जेमिति से बड़ हेले अभ्यासवशतः समस्त नियम पालन करिपारिबो। चारि प्रकार स्नान विषय शास्त्र रे कहा जायछि, जथा ऋषि स्नान प्रत्युष तीनटारु चारटा मध्यरे, देवता स्नान प्रातः चारिटारु सूर्योदय मध्यरे, मानव स्नान सूर्योदय समयरु सकाळ नौटा मध्यरे एवं राक्षस स्नान सकाळ नौटारु दिन तमाम। एथिरु ऋषि स्नान सबुठारु उत्तम। मतानुसारे स्नान चारि प्रकारर एक रे अमृत स्नान ब्राह्म मुहूर्त चारिटा तीस रु पांचटा तीस, दुई रे दुग्ध स्नान सकाळ पांचटा तीस रु छटा तीस, तीन रे सुरा स्नान सकाळ छटा तीस रु नौटा तीस एवं चारि रे रक्त स्नान सकाळ नौटा तीस रु दिन सारा। स्नान पूर्वरु सर्वांगरे तेल मालिश करिबा उचित। तेल लगाइबा बेले प्रथमे नाभिरे तापरे दुई तळीपा बुढ़ा अंगुठी तथा अन्यान्य अंगुठी संधि आदि रे भल भावरे तेल लगाइबे, तापरे सर्वांग मालिश करिबे। सबुबेले मुंडरे तेल न लगाई सप्ताह को थरे तेल लगाइबा भल। देहरे तेल लगाई हेला परे कहारी को छुइबा मना। तेल लगाइथिले नगा धोइबा पर्यंत अशौच बोली धरा जाए। वर्षक मध्य प्रथम छमास वैशाखरु आसीन पर्यंत राशि तेल रे एवं शेष छमास कार्तिकरु चैत्र पर्यंत सोरिष तेल रे मालिश करी स्नान करिबा उचित। स्त्रीलोक माने सप्ताह को थरे मुंडरे तेल लगाई केश को सिंगी पानिया रे
कुंडाइबा आवश्यक। ऋतुमती नारी ऋतुस्राव समय देहरे तैल मालिश करिबा ओ स्नान करिबा अनुचित। जदि साबुन लगाई गाधौ थांती तेबे सबुबेले साबुन लगाइबा ठीक नुहे, सप्ताह को थरे साबुन लगाइबा भलो। साबुन लगाइला बेले मुह बा आखिरे साबुन लगाइबा उचित नुहे। बारंबार विभिन्न प्रकार साबुन बदलांतु नाही, जेकोणसी निर्दिष्ट साबुन व्यवहार करंतु। मझिरे मझिरे तेल हलदी लगाई गाधोइबा भलो। पूर्व दिग को मुख करी स्नान करिबा उचित। जदि बाथरूम रे किंबा बाहरे ट्यूबवेल रे गाधौ थांती मन रखिबे, प्रथमे मुंडरे पानी न ढाली प्रथमे दुई पादरे पानी ढालिबे, द्वितीयरे नाभीरे एवं तृतीयरे मुंडरे पानी ढाली तापरे सर्वांग स्नान करिबे। नदी पुष्करिणी आदि रे गाधौथिले ए विधिर आवश्यक नाही, कारण नदी बा पुष्करिणी रे पसिले प्रथमे पाद तापरे नाभी एवं शेषरे मुंड ओदा होइथाए। मने रखिबे जेउठरे स्नान करंतु ना काहेकि हठात पानी ढालिबे नाही, धीरे धीरे पानी ढाली गाधोइबे। पुष्करिणी आदि रे मध्य धीरे धीरे अंटाए पानी मध्य रे पसि गाधोइबा उचित। स्नान समय रे पाटी रे किछि जल रखी कुळुकुळु करुथिबे एवं किछि समय परे ताहा काढ़ी देबे। एही परि किछि समय करिबा आवश्यक, एहा द्वारा सहजरे थंडा धरे नाही। स्नान कला बेले आखि को थंडा जल छाटिबा उचित, एहा द्वारा आखिर अनेक उपकार होइथाय। गाधोइबा समय रे गामुछा बा तौलिया रे देह को भलो करी घसीबा उचित। स्नान करुथिबा समय रे परिष्ठा करिबा अनुचित। जदि ए प्रकार दोष अछि तेबे स्नान करिबा पूर्वरु परिष्ठा करिनेबा भलो। स्नान कला बेले कोनोसी मादक द्रव्य सेवन करिबा किंबा पाटी रे रखिबा ठीक नुहे। जदि नदी किंबा पुष्करिणी रे स्नान करु थांती तेबे स्नान सारी सही जल मध्य रे ओदा वस्त्र रे आंठुए किंबा अंटाई पानी रे ठिया होई सूर्यंकु जल अर्घ्य देबा आवश्यक। जदि कूप नलकूप आदि रे गाधौ थांती तेबे ओदा वस्त्र रे जल अर्घ्य देबा अनुचित। स्नान परे उभय पुरुष ओ नारी माने जल अर्घ्य देई सूर्यंकु नमस्कार करिबा उचित। स्नान परे सूर्यंकु ब्रह्मा विष्णु ओ महेश्वर रूपरे नमस्कार करिबा उचित। स्नान करि सारिबा परे ओदा मुंडकु भलो भाबरे सुखिला कपडा रे पछि सिंगिपनिया रे मुंड कुंडाइबा उचित। स्नान सारि सफा वस्त्र परिधान करिबा सहित मथारे तिलक धारण करि देव पूजादि करिबा उचित। जदि वृंदावती बा तुलसी पूजा करुथांती तेबे स्नान परे तुलसी पूजा करी तुलसी गच्छ मूलरे जल देई तुलसी मूलर माटी को मुंडरे तिलक भली लगाइबा उचित, एहा द्वारा सर्वकार्य शुभ होइथाए। एथि सहित दुईटी तुलसी पत्र जल सह सेवन करिबा उचित। स्नान करि सारि भोजन करिबा आवश्यक, स्नान न करि भोजन करिबा ठीक नुहे। गाधोइबा परे निजर पिंधा ओदा वस्त्र को भलो भाबरे धोई सफा करि खरार सुखांतु। निजर पालटा वस्त्र को सबुबेले निजे धोई सुखेबा उचित। पालटा वस्त्र रो निगुडुथिबा पानी जेपरि अन्य कहारी उपरे न पड़े सेथिप्रति ध्यान दियंतु। ओदा गामुछा को खरारे न सुखाई छाईरे सुखाइबा उचित। स्नान परे केबे भी तेल स्पर्श करिबा ओ मुढ़ी खाइबा उचित नहीं, किंतु ठाकुर पूजा करि सारिबा परे अल्प टिके लुण खाइबा उचित। प्रिय सज्जन, नियमित ठीक समय रे स्नान करंतु एवं निजर स्वास्थ्य को ठीक रखंतु। धन्यवाद। प्रिय दर्शक बंधु, आजिर कार्यक्रम एठारे विराम दउची, पुनी साक्षात हेब आउ एक नुआ अध्याय रे। से पर्यंत विदाय नउची। नमस्ते। जय जगन्नाथ।